बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कल हमने जो लेक्चर या डिस्कशन की थी उसका जो बेसिक लोबे बात था वो यही था कि मिल्क पिलाने के जो मेथड्स है वो क्या है। तो हमने कल पढ़ा था कि कन्वेंशनल मेथड होता है और एक हमारे पास स्टेप डाउन मेथड है और इनके बुनियादी फर्क क्या, और हमने एक केस स्टडी पढ़ी। आज की जो हमारी डिस्कशन है ये बेसिकली मिल्क रिप्लेसर के और होल मिल्क के ऊपर है कि बच्चे को कौन सा दूध पिलाना ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि तो ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मिल्क रिप्लेसर बेहतर है या होल मिल्क बेहतर है, या हमें अगर मिल्क रिप्लेसर की फीडिंग करनी है तो उसको फीड करने का तरीका क्या है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो है वो ये समझनी चाहिए कि मिल्क रिप्लेसर और मिल्क रिप्लेसर होल मिल्क में जो है बेसिकली या आम दूध में जो है फर्क क्या है। तो सबसे पहली चीज ये है कि जो आम दूध है जो गाय का होल्स्टीन का हम यूज करते हैं इसकी कंपोजिशन मिल्क बेहतर होती है कंपेयर टू मिल्क रिप्लेसर। ये पहली चीज है जो समझनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग ये बात करते भी है और वो कहते हैं कि हम जो दूध पिलाते हैं बच्चे को उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है, वजन बड़ा अच्छा बढ़ता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है और उसकी बुनियादी वजह समझ आती है, ये है कि दूध के अंदर प्रोटीन और फैट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है कंपेयर टू मिल्क रिप्लेसर। दूसरी बात ये जो नेगेटिव चीज है वो ये है कि होल मिल्क जो है टिपिकली हम लोग यूज करते हैं बच्चे को पिलाते हैं पास्टराइज नहीं होता, या उसको एक थर्मल टेम्परेचर से ट्रीटमेंट नहीं दिया होता, जिसकी वजह से उसमें बहुत सारी इंफेक्शियस चीजों के ट्रांसफर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये एक नुकसान भी है अगर आप उसको आम दूध पिला रहे। और ये भी है कि टिपिकली फॉर्म्स में हमने देखा है कि जितना दूध रिजेक्ट होता है या एंटीबायोटिक मिल्क होता है जो हम बेसिकली किसी को सेल नहीं कर सकते वो हम काफ को पिला देते हैं। तो ये बाहर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के इशू और दूसरे इशू जो इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं उनके लिए बात जो है थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है, लेकिन बाहर ये भी एक कंसर्न है। एक चीज जो टिपिकली दी जाती है वो ये भी होती है कि डेली वेरिएशन ऑफ मिल्क कंपोजिशन काफी ज्यादा और सीजनल वेरिएशन भी है, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट एक जैसे नहीं। ये वाली जो बात है आखिरी इसको मैं तो बहुत ज्यादा अहमियत इसलिए दूंगा कि जब आपका मिल्क की कंपोजिशन ही ज्यादा अच्छी है तो अगर उसमें कुछ वेरिएशन आ भी गई तो उसका मिल्क रिप्लेसर के कंसिस्टेंट होने से क्या एडवांटेज मिल रहा है, तो ये एक नहीं है। बहरहाल मिल्क रिप्लेसर सर्वाइव करता है, प्रिवेल भी करता है मार्केट में। उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि ये बहुत सारे केसेस में कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर आपका दूध 70 रुपए 80 रुपए लीटर का वैल्यू रखता है तो आप जो है यकीनन जो है मिल्क रिप्लेसर की कॉस्ट को कैलकुलेट करके और उसको यूज करें और उसका एडवांटेज है, क्योंकि आपको उस वो जो दूध है वो ह्यूमन कंजम्पशन में यूज होगा जो आप दूसरा यूज दूध है, और इससे हम सबको फायदा होगा जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव भी है। तो इसके साथ ही हम थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं मिल्क रिप्लेसर और होल मिल्क की कंपोजिशन में फर्क होता क्या है। तो ये जो आपके सामने मैंने चार्ट खोला हुआ है इसमें बेसिकली टोटल सॉलिड्स दिए हुए हैं मैंने होल मिल्क के जो कि 12.5 है, इसी तरह बाकी सारे मिल्क रिप्लेसर है 3 किस्म के और उनके भी टोटल सॉलिड 12.5 12.5 और 12.5%। अच्छा, इसमें 3 किस्म के मिल्क रिप्लेसर की वैल्यूज प्रेजेंट की गई है। 20% प्रोटीन वाला मिल्क रिप्लेसर, 20-20 और 20% फैट वाला, इसे हम कहते हैं 20-20 वाला। ये मोस्ट कॉमनली पाकिस्तान में मिलता है और इसके अंदर 20% प्रोटीन होती है और 20% फैट होती है। दूसरा टाइप ऑफ मिल्क रिप्लेसर होता है जिसमें 22% प्रोटीन होती है और 18% फैट होती है। ये भी किसी हद तक पाकिस्तान में अवेलेबल होता है, सारे लोग तो भी इसको सेल करते हैं, लेकिन इन मैनी केसेस जो है इसको मैंने देखा है कि ये मिल जाता है। और फिर एक कैटेगरी है जो मैंने अभी तक यहाँ नहीं देखी, अमेरिका में या यूरोप में तो ये यूज होती थी, 26% प्रोटीन और 16% फैट वाला जो है मिल्क रिप्लेसर हम इसे कहते थे, और इसके अंदर जो है इसकी वैल्यू जो है वो रिलेटिवली बेहतर होती है। तो अगर हम कैलकुलेट करें टिपिकली होल मिल्क के अंदर प्रोटीन जो है वो 3.3% होती है, जबकि फैट जो है वो 4% तक एक मिल्क के अंदर पाई जाती है। जबकि 2020 वाला जो मिल्क रिप्लेसर होगा उसके अंदर जाहिर बात है 20% सीपी का मतलब ये है कि 12.5% के अंदर 20% प्रोटीन है, तो वो 2.5% बनता है, इसी तरह 2.5% फैट बनती है। तो इस 12.5% के अंदर आप कह सकते हैं 5% फैट है और फिर उसके अंदर जो है अदर सॉलिड कंटेंट है। तो 2020 का मतलब ये है कि 20% प्रोटीन 20% फैट। उसके बाद
22% प्रोटीन और 18% फैट वाला मिल्क प्रेशर है, जिसके अंदर 2.8% तकरीबन अगर आप कैलकुलेट करें तो प्रोटीन में 2.3% के अंदर है। एंड देन फाइनली अगर 36% प्रोटीन वाला मिल्क प्रेशर होगा, उसके अंदर 2.3% जो है वो प्रोटीन बनेगी और 2% जो है उसके अंदर भी फैट है। तो अगर आप जस्ट एक वन टू वन कंपेरिजन करें तो आपका अंदाजा हो जाएगा कि बेसिकली इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन होल मिल्क का कंपेरिजन सिर्फ 26% फूड प्रोटीन वाले मिल्क प्रेशर से ही हो सकता है। इनका कंपैरिजन फैट में तो किसी हद तक हो ही नहीं सकता, तो यानी इसका देख के होल मिल्क में यानी वे फैट परसेंटेज जो है वो मिल्क प्रेशर से ज्यादा ही होती है। इसकी एक बुनियादी लॉजिक भी है जो मुझे बाद में समझ आई, वो ये है कि देखिए मिल्क पाउडर है ना, ये मिल्क प्रेशर इज अ पाउडर, और पाउडर के अंदर अगर फैट के कॉन्टेंट ज्यादा होंगे तो नेचुरली उस पाउडर की शेल्फ लाइफ कम होगी, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि फैट का मसला ये होता है फैट गर्मी लगे कुछ लगे तो वो रेंसिड हो जाती है, खराब हो जाती है। तो मिल्क रिप्लेसर में फैट कम होने की एक वजह जो मुझे लगती है वो ये है कि इसमें फैट इसलिए भी कम होती है कि उसकी शेल्फ लाइफ को मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल है। ऑल्दो कि ये मिल्क रिप्लेसर शायद बेचने वाले लोग इससे मुझसे बहुत ज्यादा एग्री ना करें, लेकिन और यकीनन इसके पीछे एक वजह मैं अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा कि साइंटिफिक वैल्यू भी है कि फैट बढ़ाने या कम होने से इफेक्ट क्या होता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज वन ऑफ द रीजन कि प्रिजर्व करना उस मिल्क प्रेशर को रिलेटिवली डिफिकल्ट है और उसको यूज करना। अब देखते हैं कि फर्ज करें एक काफ है जो 45 किलो का है और इसे हम 6 लीटर जो है पर डे जो है उसको जो है हम मिल्क पिला रहे हैं, या ये 2020 वाला या 2218 वाला 2616 वाला मिल्क प्रेशर पिला रहे, तो उसका एनआरसी के जो सिस्टम है वो क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर हम ये चीज पिलाए तो उनका एवरेज डेली गेन कितना आएगा। ये जो पहला गेन है ये प्रोटीन अलाउड गेन है, तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रोटीन से गेन को कैलकुलेट करें, एनआरसी क्या करता है वो दो एनर्जी से गेन कैलकुलेट करता है प्रोटीन से, यानी आपने एक फीड दी वो फीड में प्रोटीन भी और एनर्जी भी, तो प्रोटीन से कितना गेन प्रिडिक्ट कर सकते हो और एनर्जी से कितना गेन प्रिडिक्ट। तो यहाँ अगर आप देखें तो वो कहता है कि मिल्क पिलाएंगे अगर आप उसे 6 लीटर तो 0.63 kg पर डे वेट गेन प्रोटीन से मिलेगा, 0.75 kg एनर्जी से मिलेगा। एक्चुअल गेन टिपिकली वो होता है जो लोअर होता है इन दोनों वैल्यूज में से, तो 0.63 आप कैसे देखते हो। अगर आप 2020 वाला पिलाएंगे तो यकीनन प्रोटीन तो आपने कम पिलाई है तो 0.47 प्रिडिक्ट कर रही है एनआरसी, वो कहती है 0.47 kg जो है आप उसका गेन ले सकते हैं और फिर 0.62 kg जो है वो एनर्जी अलाउड गेन ले सकते हैं। और इसी तरह 22 में फिर थोड़ी सी प्रोटीन बेहतर हो जाती है लेकिन फैट थोड़ी सी कम हो जाती है, और 26% में आप देखें तो प्रोटीन जो है वो मिल्क के करीब या मिल्क से थोड़ी सी ज्यादा आती है प्रोटीन अलाउड गेन, जबकि एनर्जी अलाउड गेन जो है वो रिलेटिव कम होता है। तो अगर आप एक्चुअली कंपेरिजन करें तो आप ये देख सकते हैं कि मिल्क से अगर आप 1:1 के ऊपर कंपेरिजन करें, आप कहते हैं 1 लीटर दूध बराबर होगा कितने लीटर मिल्क रिप्लेसर के, मैं ये आपको कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि 1 लीटर मिल्क इज ऑलवेज इक्वल टू मिल्क रिप्लेसर इफ दैट मिल्क रिप्लेसर कंटेन्स 26% क्रूड प्रोटीन और 16% उसके अंदर फैट हो, तो फिर वो 1:1 का कंपैरिजन है। अदरवाइज अगर आप 2020 वाला कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि 0.63 अगर आपका एवरेज डेली गेन प्रिडिक्टेड आ रहा है और उसका 0.47 आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है तकरीबन जो है 0.74 kg ऑफ होल मिल्क विल बी इक्वल टू, या 0.75 kg ऑफ होल मिल्क विल बी इक्वल टू 2020 वाला जो मिल्क प्रेशर है उसके 1 kg ऑफ मिल्क के, अगर आप लोग उसको 1:1 कंपैरिजन करते हैं, यानी 25% आप कह सकते हैं कि रिजल्ट आपका कम आएगा मिल्क प्रेशर पर। उसका एक हल है, सिंपल सा हल है, आप उसको दूध थोड़ा ज्यादा पिला दें। मैं अक्सर लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप 6 लीटर दूध पिला रहे हैं तो आप मिल्क प्रेशर 12.5% के ऊपर कैलकुलेट करके उसको 7.5 लीटर, 7 लीटर या 8 लीटर तकरीबन इतना पिलाएं तो वो उसके बराबर आ जाएगा। और बाज दफा कॉस्ट जो है जस्टिफाई हो रही होती है, आप उसको अगर दूध उसका बिकी 70-75 रुपए का लीटर तो उसको इसमें कोई हार्म नहीं है कि वो इस चीज को ट्राई करे और उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होता इसमें। अब टिपिकली कंपोजिशन होती क्या मिल्क प्रेशर की, किस चीज से बना होता है मिल्क प्रेशर है क्या, जैसे आपने देखा होगा ये दूध के डब्बे होते हैं उसके अंदर पाउडर मिल्क होता है, वो बेसिकली होता मिल्क ही है, लेकिन उसके अंदर दो बेसिक टाइप ऑफ प्रोटीन की सोर्सेज होती है,
मिल्क रिप्लेसर के अंदर भी ऐसे ही, एक इसके अंदर एनिमल ओरिजिन की प्रोटीन नहीं है। एनिमल ओरिजिन की प्रोटीन क्या होगी? दूध की प्रोटीन होगी, जैसे स्किम मिल्क पाउडर है वो उसकी प्रोटीन होगी, या वे बेस्ड प्रोटीन होगी वो सोर्स होगी। जैसे हम कहेंगे कि ये बेसिकली जो है एनिमल बेस्ड जो है प्रोटीन है, जिसमें SMP आ जाता है, वे बेस्ड आ जाता है। दूसरी वेजिटेबल बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज है, और वेजिटेबल बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज बेताचा है, आप जानते हैं सोयाबीन की भी है और मुख्तलिफ इंग्रीडियंट्स के हैं। अगर आप टिपिकली देखें तो जो रेकमेंडेड सोर्सेज है मिल्क रिप्लेसर बनाने के लिए, वो अगर आप किसी भी डब्बे में या किसी कंपनी से बात करते हैं कि आप मुझे मिल्क रिप्लेसर भेज रहे हैं तो क्या क्या चीजें उसके अंदर डली हुई है, तो आप ये गौर से देखें कि उसकी कॉन्टेंट्स में क्या क्या लिखा हुआ है। तो अगर वो वे प्रोटीन है उनसे पूछे क्या इसके अंदर स्किम मिल्क पाउडर है, ये केजीन है, वे है, सोया प्रोटीन के आइसोलेट डाले हैं, अगर अगर वेजिटेबल ओरिजिन की आपने कुछ और डाली है या वीट की प्रोटीन है। कुछ जगह पे एनिमल का प्लाज्मा बहुत रेयर फ्रैक्शन में, अब तो शायद नहीं होता, लेकिन बाहर किसी जगह के ऊपर अगर स्पेसिफिकली बीफ के अंदर हो रहा है, बीफ के मिल्क रिप्लेसर है, तो उसमें एनिमल प्लाज्मा भी शायद जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यू हैव टू आस्क द सप्लायर्स के बीच के अंदर रेकमेंडेड इंग्रेडिएंट कौन कौन से आपने एज ए प्रोटीन सोर्स डाले हैं। एक्सेप्टेबल में सोया प्रोटीन रेकमेंडेड नहीं है, वो फिश की प्रोटीन नहीं है और मीट सॉल्युबल और बीट प्रोटीन है। टिपिकली मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में ये जो नॉट रेकमेंडेड वाली कैटेगरी शायद कोई भी नहीं भेजता। स्पेसिफिकेशन में क्या देखते हैं, आपके पास मिल्क रिप्लेसर लेके आया एक बंदा, आपने उससे पूछना है कि भाई ठीक है आप भी बता दो तो स्पेसिफिकेशन भी शेयर करें, तो आप स्पेसिफिकेशन में देखते क्या है? तो मोस्ट कॉमनली तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग प्रोटीन के कॉन्टेंट देखते हैं वो 20% है कि 28% है या 26% है, उसके बेस के ऊपर अपनी जो है अपनी जो है वो रिकमेंडेशन जो है या अपनी डाइल्यूशन बनाते हैं। तो पहली चीज तो आप ये देखते हैं कि प्रोटीन कितनी है, फैट कितनी है, लेकिन जो दूसरी चीज है वो जो जो उसमें इम्पोर्टेंट तरीन है वो सॉरी वो ये है कि आपने उसके अंदर क्रूड फाइबर के कॉन्टेक्ट देखने हैं। ये जो पहले आपके सामने स्क्रीन पे आया था वो गलत थे, एक्चुअली ये ट्रू फॉर्म यही है कि आपके मिल्क रिप्लेसर के अंदर जो क्रूड फाइबर के कॉन्टेक्ट है दैट शुड बी बिटवीन 0.1 to 0.6%। आइडियली लोग कहते हैं हमें तो 0.1 से नीचे वाला चाहिए, 0.2 से नीचे वाला चाहिए। क्रूड फाइबर का मतलब क्या है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ क्रूड फाइबर? क्रूड फाइबर इंडिकेट करती है कि इस मिल्क रिप्लेसर के अंदर एनिमल ओरिजिन की बजाय वेजिटेबल ओरिजिन की कितनी प्रोटीन डाली गई है। देखिए आपने एक मिल्क रिप्लेसर खरीदा, उस मिल्क रिप्लेसर के अंदर वेजिटेबल ओरिजिन की प्रोटीन सोयाबीन की ओरिजिन थी या कोई और ओरिजिन, जितनी वो ज्यादा डालते रहेंगे उसमें वेजिटेबल की ओरिजिन में ही फाइबर होती है, और वो फाइबर जो है बेसिकली उसका लेवल इंक्रीज होता है। दूध में तो फाइबर होता ही, दूध में तो लैक्टोज होती है बेसिकली, किसी भी किस्म की फाइबर नहीं होती। तो ये जो मिल्क रिप्लेसर होता है उसके अंदर आपने सिर्फ ये देखना है कि उसकी क्रूड फाइबर के कॉन्टेंट 0.6 से नीचे है या नहीं। अगर 0.1 से या 0.2 से भी नीचे हो ना तो इसका मतलब है कि वो है ही 100% तकरीबन, आप समझ रहे हैं कि वो एनिमल ओरिजिन की प्रोटीन का। अगर 0.2 से ऊपर है 0.6 तक है तो उसमें रीजनेबल अमाउंट ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन भी जो है वो सोर्सेज यूज की गई है। ये एक क्राइटेरिया है जिसकी बेस के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग, और इसकी वजह से काफी फर्क पड़ता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक 26% प्रोटीन का मिल्क रिप्लेसर है, तो आपने उस 26% प्रोटीन वाले मिल्क रिप्लेसर में देखा कि उसके अंदर फाइबर 0.6% थी, जबकि दूसरा मिल्क रिप्लेसर 22% है, उसकी फाइबर 0.1 से नीचे है, तो मैं फिर आई विल गो फॉर 0.1 से जो नीचे वाली फाइबर वाला, क्योंकि उसकी फिर शायद प्राइस भी ज्यादा हो। तो ये आपने प्राइस की निगोशिएशन में भी देखना है कि भाई आपकी तो फाइबर ज्यादा है तो आप उसको कैसे कह रहे हैं कि आप ये जो है। तो ये बाकी मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स वगैरह तो बाय डिफॉल्ट ही कुछ फोर्टिफिकेशन हुई होती है, गिवन विटामिंस की तो फोर्टिफिकेशन हुई होती है, ट्रेस मिनरल मैक्रो मिनरल्स, ये मुझे नहीं आइडिया के मिनरल्स तो वैसे ही मिल्क में कैल्शियम तो बेताशा ही होती है, और ट्रेस मिनरल्स में सिलीनियम अगर मिनरल थोड़ी बहुत भी ऐड करती है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए काम की चीज, इसमें फाइबर के कॉन्टेंट्स है और प्रोटीन के कॉन्टेंट्स है, फैट भी कुछ बहुत ज्यादा देखने वाली चीज नहीं है, कम है या ज्यादा है। इसकी वजह है वो मैं आपको अगले लेक्चर में फैट की वैल्यूज के साथ बताऊंगा। इसे मिक्स कैसे करना है, बड़ा सिंपल तरीका, 1 किलो मिल्क रिप्लेसर का पाउडर है, उसे 7 लीटर पानी में मिक्स करें, 8 लीटर आपका दूध बन गया। दोबारा बताता हूँ, 1 किलो आपने पानी पाउडर लिया,
उसके अंदर 7 लीटर पानी डाल दिया और उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया तो 8 लीटर दूध बन गया। और टिपिकली ये नीम गर्म पानी लेते हैं उसके अंदर मिक्स करते हैं, अगर सर्दियों गर्मियों में आप जो है उसको आम पानी में भी मिक्स कर लेकर बसता है साफ सुथरा हो जाता। अब सवाल ये पैदा होता है जो कॉमनली किए जाते हैं, दो सवाल इसके बारे में, तो कहते हैं भाई आपने मिक्सिंग कर ली कितना टोटल सॉलिड बनेगा इस रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क का, जो दूध आपने बनाया है इन दो चीजों को मिक्स करके उसके अंदर टीएस कितने होंगे। तो टीएस अगर आपने मालूम करने हैं तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली जो 1 kg पाउडर है उसको डिवाइड कर देंगे 8 लीटर ऑफ मिल्क से, 8 लीटर मिल्क के अंदर 1 किलो पाउडर आएंगे, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम होगा कि 12.5 टीएस का आपने डाइल्यूशन किया और इसकी मिल्क प्रेशर जो है मिक्स किया। ये नहीं है कि आपने 1 लीटर पाउडर ले लिया और 8 लीटर पानी मिक्स कर लिया तो वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया, तो आपने 12.5% टीएस पे ही डाइल्यूशन कर दिया या 13% पे कर लिया। आपने कुछ बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन में डाइल्यूशन भी कर दी, मसलन आपका डाइल्यूशन करने का दिल कर रहा था मैं तो 1 किलो पाउडर लूंगा 5 लीटर पानी में मिक्स कर लूंगा, ठीक है तो ये जो है तकरीबन मेरा 6 लीटर बनेगा दूध और ये 16% टीएस का दूध बन जाएगा। तो भाई आप भैंस को दूध नहीं पिला रहे, भैंस के बच्चे को आप गाय के बच्चे को दूध पिला रहे, नंबर एक। नंबर दो, लैक्टोज की इनटॉलरेंस होती है बास दफा बच्चों में, जब आप पूरा पाउडर मिक्स करेंगे तो उसकी इंटॉलरेंस उसमें लैक्टोज भी चली जाएगी और वो एक प्रॉब्लम वाली चीज है। तो आपको 12.5 से 13% तक ही मिक्सिंग करनी है, इससे ज्यादा आगे पीछे हिलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्यादा प्रोटीन चाहिए तो आप फिर CMRE वो खरीदें या मिल्क प्रेशर वो खरीदें जिसके अंदर जो है ये प्रोटीन की वैल्यू ज्यादा हो, और ये देसी टेक्नोलॉजी जो है हमें ये नहीं लगानी चाहिए इसमें। अच्छा अब इसमें दूसरी चीज जो है वो ये है कि फर्ज करें कि आपने जो CMR खरीदा था उसके अंदर 20% प्रोटीन, तो अभी CMR ये जो हमने दूध बनाया जिसके अंदर 12.5% टीएस है इसमें कितने परसेंट प्रोटीन हो, तो ये अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो आप क्या कह रहे हैं 1 किलो पाउडर के अंदर 20% सीपी का मतलब है 200 ग्राम सीपी है, या आप कह रहे हैं कि 200 ग्राम आपने तो 1 किलो पाउडर भी 8 लीटर में मिक्स किया ना, या आप कह रहे हैं कि 200 ग्राम आपने सीपी मिक्स की है, प्रोटीन मिक्स की है, 8 लीटर दूध में पाई जाती है, इसका मतलब ये है कि 2.5% प्रोटीन जो है 0.2 डिवाइडेड बाय 8 मिल्क बनाने का मतलब यह है कि आप ये कह रहे हैं कि 130 ग्राम 1 लीटर जो मिल्क होगा उसमें 130 ग्राम जो है वो सॉलिड होगा या पाउडर होगा, तो 130 ग्राम आपने वो पाउडर लिया और 870 ml जो है वाटर लिया तो 1 लीटर मिल्क बन गया, तो बेसिकली आप ये एक इक्वेशन बना रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं डाइल्यूशन निकालने के लिए कि 870 ml को डिवाइड कर दें 130 से तो ये 6.69 लीटर ऑफ वाटर चाहिए होगा जो आपने 1 किलोग्राम मिल्क प्रिपरेशन के साथ मिक्स कर लेना, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप उसके टीएस देखेंगे तो 1 किलोग्राम CMR लिया, 6.69 आपने लीटर वाटर लिया, 7.69 लीटर मिल्क बना लिया आपने, और 1 divided by 7.69 = 13% टोटल सॉलिड का आपने मिल्क प्रेशर बना लिया। तो ये बेसिकली एक मेथड है जिसके जरिए आप करते हैं। अगर आप याद आपसे कैलकुलेशन नहीं होगी तो आपको ये याद कर लेना चाहिए कि आपने अगर 13% टीएस का मिल्क प्रेशर बनाना है तो आपको 6.69 लीटर वाटर चाहिए और 1 किलो CMR के साथ मिक्स करना है, अगर आपने 12.5% वाला बनाना है तो आपको 7 लीटर पानी चाहिए और 1 किलो आपको जो है वो पाउडर मिक्स करना है। लेकिन बाहर इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू रियलाइज और इस कैलकुलेशन को करने में ज्यादा बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। जब आप CMR खरीद रहे थे तो आपने कौन सी पैरामीटर्स को देखना होता है कि भाई ये चीजें जो है ये मैं अगर लूंगा तो ठीक है, ये चीजें मुझे ये मैं कैसे देखूंगा कि ये बेसिकली पाउडर ठीक है नहीं, तो सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि इसका कलर ठीक है कि नहीं। उसका कलर जो है टिपिकली ना, यहाँ एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊँ कि जो मिल्क प्रेशर आता है उसमें एक आर्टिफिशियल कलर भी मिक्स हुआ होता है, तो
पाकिस्तान में, वरना तो खुला दूध के तौर पे लोग बेचना शुरू कर दे पाकिस्तान में, और लोग जो है उसको दूध को पिलाना भी शुरू कर दे, बच्चों को इंसानों को पिलाना शुरू कर दे बजाय इसके कि काफ को जाए। तो इसलिए जो इम्पोर्ट होता है दूध, उसके अंदर कोई कलर एक मिक्स किया होता है, जैसे ग्रीन या ब्लू या कोई भी, जस्ट ताकि वो एक ह्यूमन कंजम्पशन की लाइन में जाए। तो पहली चीज ये है कि उसका जो कलर है वो जो आपको सप्लाई ने बताया उससे मिलता जुलता, उसमें डले ना बने हुए उस मिल्क रिप्लेसर के तोड़ों के अंदर, और किसी किस्म का कोई आपको फॉरेन मटेरियल ना नजर आ रहा हो, एक जैसे ही लग रहा हो, ठीक है। अच्छा, इस तरह उसके अंदर किसी किस्म की ना स्मेल ना हो अजीब सी, आपको ये ना महसूस हो, हल्का सा चेक के देखा आपको बहुत तेज ना लगे, हल्का सा तेज होता है वैसे अगर आपने कभी जिंदगी में नहीं चखा हो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा तेज लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो है मिल्क प्रेशर जो है उसका जो पाउडर है वो बेसिकली जो है ना ऑर्डर भी उसका खराब नजर आ रहा है, तो उसको ये है कि जो है ना इसके अंदर मेलार्ड रिएक्शन हो गया, यानी इसके अंदर रेंसिडिटी हो गई है जिसकी वजह से ये खराब हो गया। तो जैसे दूध खराब हो जाता है ऐसे ही मिल्क प्रेशर भी खराब हो जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे फार्म पूरे साल का कंटेनर दो मंगवा लेते हैं, उसके बाद जो है ना वो जब गर्मियां आती है जुलाई अगस्त, तो अगर स्टोरेज अच्छी ना हो तो फिर उसके बाद जो है वो गंदी स्टोरेज की वजह से वो मिल्क प्रेशर खराब हो जाता है। बार दफा आपने प्रॉपरली रॉडेंट्स का बंदोबस्त नहीं किया हुआ तो मिल्क प्रेशर के ऊपर चूहे पड़ जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा बुनियादी मसला है जिसकी वजह से आप इसको लॉन्ग टर्म शेल्फ लाइफ में अगर रखना चाह रहे हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल, स्पेशली जो है इसकी जो स्टोरेज है उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। इसी तरह ऑर्डर जो है वो मैंने आपको बता दिया, इसका रिफ्लेक्टिव होना चाहिए जो उसकी एक टिपिकल होता है, ये नहीं कि खराब और पंजेंसी स्मेल आ रही। मिक्सिंग में आपको पता है कि प्रोडक्ट को जो है आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इजीली मिक्स होनी चाहिए और एक करेक्ट प्रोपोर्शन में होनी चाहिए जो मैंने आपको बता दी है। अगर आप मिक्सिंग कर रहे हैं और सस्पेंशन बन रही है आपको नजर आ रहा है बाहर हर चीज नजर आ रही है लहता लहता, तो इसका मतलब यह है कि वो बाद में नीचे सेटल डाउन लगेगी और सारा पाउडर आपको साइडों पे या नीचे तय पे लगा हुआ नजर आएगा उस मिक्सर को। अगर आपने बहुत अच्छा मिक्स कर लिया और आप उसको फिर भी मिक्स करी जा रहे हैं, आपको नजर कुछ भी नहीं आ रहा वो मिक्स हो चुका है और आप लगे हुए हैं उसको मिक्सिंग के 10 मिनट और देने, तो फिर ये फैट जो है ना उसकी वो जो है ना वो खराब होगी और वो जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली जो है ना वो सेटल नहीं होंगे, और वो जो है बेसिकली रिकमेंडेड प्रोसीजर नहीं है कि आप ओवर मिक्सिंग जो है उसकी करना शुरू कर दो। तो बेसिकली अगर आपने उसकी ओवर मिक्सिंग की है तो उसकी वजह से फोमिंग बनना शुरू हो जाएगी या फैट जो है मैंने आपको बताया कि सेपरेट हो जाएगी, ग्रीसी सी लेयर बनना शुरू हो जाएगी, तो ओवर मिक्सिंग इज आल्सो बेटर और ऑफ फ्लेवर ना हो। अब ये जो मिल्क प्रेशर है ये पिलाने के दो बेसिक तरीके, एक कन्वेंशनल प्रोग्राम है एक इंटेंसिफाइड प्रोग्राम है। कन्वेंशनल प्रोग्राम के अंदर आप कम पाउडर यानी आप डेली कम दूध पिलाते हैं, 0.45 से 0.57 किलोग्राम पर डे आपका पाउडर पिलाने का टारगेट होता है काफ का, और इंटेंसिफाइड में 0.9 से 1.13। अगर आप डाइल्यूटेड मिल्क की फॉर्म में देखें तो कन्वेंशनल प्रोग्राम है, इसके अंदर आप 4 लीटर 3.5 लीटर से तकरीबन 5 लीटर तक दूध पिला रहे होते हैं, 7 लीटर से 8-9 लीटर तक आप मिल्क प्रेशर पिला रहे हैं। और कन्वेंशनल प्रोग्राम जो होता है इसके अंदर 20% सीपी 20% फैट वाला मिल्क प्रेशर होता है, 13% सॉलिड के ऊपर आप डाइल्यूशन करते हैं। इसमें जो काफ स्टार्टिंग यूज होता है टिपिकली वो 20% प्रोटीन वाला होता है, और ये सकून डे प्रोग्राम है, इसमें आप पिलाते रहते हैं बस बच्चा जो है वो स्लो स्लो बढ़ता है, एवरी डे के पे उसका स्लो भी होता है। इंटेंसिफाइड प्रोग्राम के अंदर 26.28% प्रोटीन वाला मिल्क प्रेशर बनाते हैं, काफ स्टार्टर भी उतना ही चाहिए होता है प्रोटीन वाला, क्यों ज्यादा प्रोटीन वाला आप मिल्क प्रेशर बता रहे हैं उसको रिप्लेस करने के लिए काफ स्टार्टर बता रहे हैं, तो उसकी प्रोटीन भी ज्यादा चाहिए। इसकी डाइल्यूशन आप ज्यादा करते थे बेसिकली इसमें और कुछ नहीं करते, 15 से 17% तक की आप कंसंट्रेशन की डाइल्यूशन करते पानी के साथ, लेकिन इसमें अगेन मैंने आपको बताया कि चांसेस ऑफ डायरिया ज्यादा होते हैं, और ये प्रोग्राम जो है मेरे को बहुत ज्यादा यूज होते हैं, नहीं देखा बुक्स में पढ़ा है टिपिकली, तो इसलिए आपको भी बता रहा हूँ कि दिस इज वन ऑफ द बेटर। मैंने इसके बारे में जितना पढ़ा है मुझे यही समझ आई कि बेसिकली इसमें एवरेज डेली गेन ज्यादा निकलता है। मैं आपको इसके कुछ वैल्यूज आगे भी शेयर करूंगा जब इसका हम कंपैरिजन करेंगे कि अभी के लिए में क्या फर्क आता है, और इसमें मैंने ये देखा है कि काफी स्टार्टर जो है रिव्यू में कि काफी स्टार्टर इंटेक इसमें कम होता है, लेकिन बीनिंग और वेट जो है इसमें ज्यादा होता है।
कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। पहला टिपिकली है कि प्रोटीन कंटेंट करने से इंक्रीज करने से मिल्क प्रेशर की अगर आपने मिल्क प्रेशर 20% वाला भी है 26% वाला भी है तो उसका इफेक्ट क्या आता है, जो रिसर्च कहती है जो उन्होंने एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इसी तरह फैट बढ़ाने से मिल्क के रिप्लेसर के अंदर अगर आपने फैट बढ़ाई तो उससे टाप के ऊपर क्या इफेक्ट। इसी तरह कन्वेंशनल वर्सेस एक्सेलरेटेड फीडिंग प्रोग्राम्स के अंदर का बेसिकली क्या फर्क है, और इसी तरह काफ स्टार्टर के जो स्पेक्स हैं वो कौन से बेहतर है अगर आपने कोई स्पेसिफिक प्रेशर यूज करा। मैंने आपको अभी बता ही दिया वैसे तो 20% वाले प्रोग्राम के अंदर 20% प्रोटीन वाला काफ स्टार्टर, लेकिन हम इसको थोड़ा सा देखें। और क्या एक टिपिकल क्वेश्चन किया जाता है कि हम अगर एज जो है उसको रिड्यूस करने विनिंग की अगर हम 60 दिन से 40 दिन पर विनिंग करने तो उसका कोई काफ की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, ठीक है। और फिर अगर आप लोग हम इस सारे सवाल को देखते हुए हमें क्या स्ट्रेटजी बेस्ट है वो प्रपोज करनी चाहिए, तो ये हमारा नेक्स्ट वीक पे इंशाल्लाह मरीज के ऊपर डिस्कशन।